See, awards not only encourages you to do good, but it's an appreciation also. Sab log appreciate to ek saath nahi kar sakte, so award is a way to appreciate a person. And it's a good thing. Being a public figure, it's my duty to contribute as much as I can as an entertainer and as a social person also. So it's a good feeling, and thank you for this award. I'm glad that this platform has chosen me to award for this. सही मायनों में एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट ये जो एक काफ़ी बड़ा टैग है, छोटा टैग नहीं है, और कोविड के दौरान जिन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें हमसे ज़्यादा बढ़कर मुझे लगता है कि हमारे दूसरे विभाग हैं, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो बैंकर्स हों, हमारे पुलिस विभाग हों, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है. और जो भी सेवा संस्थाएं हैं जिसमें से रे ऑफ होप है, यानी कि उम्मीद की किरण, और इन संस्थाओं ने आकर आगे आकर मानवता धर्म को निभाया है, और हम जैसे सभी लोगों को ये पुरस्कार देकर हमें सम्मानित करके ये प्रोत्साहन दिया है, और हमें मानवता के धर्म में आगे बढ़ते रहने के लिए, अग्रसर रहने के लिए कहा है. मैं तो ये कहूँगी. जी बिल्कुल. मेरी तरफ से भाई, क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे सभी लोग, और कलाकारों के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था कि आप कैसे मतलब अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि आप कोई सैलरी नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें रही हैं. बट उसमें अपनी क्षमतानुसार जो हो सका है आगे से आगे आकर वो करने की कोशिश की है, और अपने कलाकार होने पर जो भी हमारे कलाकार दोस्त तैयार हैं उन लोगों के लिए जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर. यार बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जितना काम हम लोगों ने किया है पूरे पेंडेमिक के थ्रू और करते ही रहते हैं. अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक यू नो गोरा ज़िले में आई हैव ओपनड अ स्मॉल लाइब्रेरी. आई एम वर्किंग विद पुण्यकर्मा फाउंडेशन. आई हैव ऑलवेज बिन विद देम सिंस द इंसेप्शन. और उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जितना यू नो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली, हमारे आई स्पेशली वर्क फॉर यू नो अंडर प्रिविलेज्ड इन एंड अराउंड मुंबई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से हम जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यू नो इट इज़ वेरी गुड. क्योंकि अगर थोड़ा 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 करके भी अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना, सो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं अनएजुकेशन की या बिलो पॉवर्टी लाइन की, आई थिंक दैट वी कैन ओवरकम वेरी इजीली. सो या कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप मेकिंग वर्ल्ड ए गुड प्लेस. थैंक यू. रे ऑफ होप का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ. क्योंकि देखो ये अवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, कार्य किए, उन्होंने उनको हमने बहुत मुश्किलों से शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि जैसे इनको अवार्ड मिलेगा ये और काम करेंगे और उत्साहित होंगे, इसके लिए हमने उनका काम के लिए अवार्ड दिया. ये एक्चुअली क्या है, हमारा संस्था आज से नहीं 15 साल से सोशल सर्विस में है, और हम लोग एडुकेशन, मेडिकल और इसके अलावा राशन वगैरह बहुत तो फैमिलीज को बांटते हैं. जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारा संस्था पहुँच जाती है, जो हो सके हम लोग करते हैं. तो आज के इस अवार्ड को कितना सक्सेसफुली मानते हैं, जो आप चाहते थे वो एक अच्छा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे संपन्न हो पाया. आई वुड लाइक टू थैंक शैलेश भाई फॉर गिविंग मी सपोर्ट और ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए. बहुत तुम्हें मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया था कि अवार्ड शो करेंगे, उसने मेरी बात रखते हुए बोला कि मदर टेरेसा अवार्ड शो करते हैं, और हमने एक महीना पहले आई थिंक सो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद हमने इसको काम को आगे बढ़ाया और आज आप सब लोगों के सामने नतीजा. आज आप लोगों को भी अवार्ड मिला है, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को भी अवार्ड मिला. और ये मेरा भाई का क्या कहना है, बस मन में था करना, उसने कर लिया, तो मैं ये जो शेयर है ना मैं इसको देना चाहता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया यहाँ पर स्टेज पर खड़ा रहने का. संभालना देना मतलब एक भरोसा होता है, और ये भरोसा मेरे भाई ने दिया, और आदमी सो लगता है मैंने भरोसा पूरा किया है. ऊंच नीच होती है लेकिन भाई है, हम हो जाएगा आदमी तो बल. बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आइए सपोर्ट कीजिए योग संस्था को और साथ दीजिए. थैंक यू. ये अवार्ड का जो नाम था मदर टेरेसा अवार्ड 2000.
देखिए मैं परेरा साहब से कुछ 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी एक अवार्ड हो रहा है, अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं, जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, मतलब समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं तो इसी तरीके से ठीक हुए हैं कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएँ की, उनकी मदद की हर तरीके से, पैसे से लेके, शरीर से लेके, दवाइयों से लेके। तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम लेती, टेरेसा का नाम लेती आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है, आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहें, आगे चलता रहे ये अवार्ड और हम लोग सब इससे जुड़ें, ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग जमा हुए हैं, आज कुछ लोगों को इन्होंने सम्मान दिया, कुछ लोगों को जो इन्होंने खिदमत की, जिन लोगों को ठीक किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हारी बीमारी तो हमारे देश से निकल ही जानी चाहिए, कोविड जैसी खतरनाक बीमारी, और भी कई हमारे यहाँ समस्याएँ हैं, एजुकेशन है, और भी बहुत सी बातें हैं, उसको दूर करने के लिए ऐसे अवार्ड की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्यारा नाम लेके ये अवार्ड शुरू किया। देखिए मदर टेरेसा अवार्ड, ये जुड़ना ही मेरे नाम के साथ, ये जुड़ना ही बहुत खुशी की बात है और ये फीलिंग आना ही कि आपको मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ आस्था फाउंडेशन से, मैं खुद भी वही काम करती हूँ, तो ये मिलना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। It's a great honor. It's a great honor to be nominated and to get this award. It was really nice. We had seen so many of Bollywood actors, specifically VIP sir who was here. He was entertaining so much. During the COVID, we all had lots of problems. We had faced so much of issues. But still, after the finishing of pandemic, at the end of COVID, we can see what we had done. We are receiving this award. And I am very much grateful to Mr. Patel sir who had nominated me and given this award. Thank you very much. मेरा नाम प्रोफेसर रेणुका बांगड़ है, मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ, पर्सनालिटी एनहांसमेंट कोच और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो मुझे ये अवार्ड से नवाजा है फॉर डूइंग अ सोशल कॉज इन द टाइम ऑफ कोविड्स, यानी मेंटल हेल्थ को रिलेटेड मैंने काफ़ी टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोसाइटी के उन लोगों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, मैंने उनका साथ दिया डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो जब हमें अवार्ड दिया जाता है तो नेचुरली अच्छा लगता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं समाज के प्रति। मेरा नाम है, आई एम मिसेस इंडिया। आज का ये जो अवार्ड है रे ऑफ होप के तरफ से जो मिला है, वो मिला है मुझे ग्रूमर और जूरी के लिए मिला है। मैंने इससे पहले भी कुछ पेजेंट्स थे जिसमें मैंने लड़कियों को ग्रूम किया है और उनकी जूरी में बनी हूँ पेजेंट्स में, सो इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और आप सब जैसे कि जानते ही है कि इस कोरोना के दौरान सबने बहुत सफ़र किया है, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ और बीइंग नेवल ऑफिसर्स वाइफ वी वर्क फॉर वुमन एम्पावरमेंट, तो उसमें भी मैंने आई एम वेरी हैप्पी। मदर टेरेसा जैसे नोबल लेडी के नाम पे मुझे आज अवार्ड दिया गया है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसे काम करूँ फ्यूचर में आगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट।